नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने उमंग और उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया होगा। पुनः आपको होली की शुभकामनाएं। आज से हमारा व्यापारी वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल से, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। एक आग्रह करता हूँ, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस ना कहा जाए। ये अंग्रेजों की देन थी जिसका हम लोग अभी तक नासमझी में मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि 1 अप्रैल हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे साल को शुरू करने का दिन होता है, नए वर्ष को शुरू करने का दिन होता है। और वित्तीय वर्ष तो हमारा आज़ादी के बाद से भी, 1 जनवरी अंग्रेज़ों की तिथि अपनाने के बाद भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समापन होता है। तो एक तो अनुरोध आपसे ये है कि किसी भी सूरत में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस ना कहा जाए, 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष कह करके उसका स्वागत किया जाए। दूसरा मेरा अनुरोध है, पिछले 2-2.5-3 महीनों में कोविड में कुछ राहत मिली थी जिस वजह से हम सब लापरवाह हो गए, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है वो फिर से जागरूक होने वाली है कि हम सब लोग जागरूक होते हुए जो उचित उपाय हैं उनको जरूर करें। बार बार उनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या क्या हैं, लेकिन लापरवाही ना बरतें, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मैं जो सूचनाएं मिल रही उनके आधार पर आपको बताता हूं कि काफ़ी जनपदों में बहुत से व्यापारी समाज के लोग, इसके अलावा भी सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग इससे पुनः प्रभावित हो रहे हैं। हम बच सकते हैं अगर हम सावधानी बरतेंगे। तो मेरा एक बार फिर से संपूर्ण देशवासियों से ये अनुरोध है कि उचित सुरक्षा, उचित सावधानी बरतें और अपने व्यापार और अपने उद्योग को और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।